और डिक्की खुल जाएगी। तो अब मैं नीचे की तरफ में करूंगा तो नीचे और ऊपर करूंगा तो ऊपर, ये ऑटोमेटिक ही एक ही स्पीड में चलती रहेगी कार। Hey, so what's up guys, welcome to my new another video, Arun Baklol। तो शुरू करते हैं बकचोदी। तो भाई आज इंटीरियर के बारे में बताने वाला हूँ सियाज की, जो भाई पीछे की तरफ में खड़ी है। तो देख सकते हो भाई लुक वाइज बहुत अच्छी है काफ़ी, मतलब इससे पहले वाली जो मेरी वीडियो ना देखी हो आपने डिलीवरी वाली, तो देख सकते हो आई बटन में आ रही होगी, तो जाओ चेकआउट करो। और बाकी अब आपको बताने वाले इंटीरियर, इंटीरियर से पहले आते हैं तो भाई की पे, तो भाई की देख सकते हो इसके अंदर पुश स्टार्ट बटन है भाई, ठीक है। और उसके बाद और बाकी चीज़ें दिखाता हूँ, डिटेल में दिखाऊँगा, ठीक है। इंजॉय करो वीडियो, देखो सिनेमेटिक शॉट्स देखो, लेट्स गो। सो गाइस, तो यार सबसे पहले डिटेल जान लेते हैं कि सियाज हमारे पास टॉप मॉडल हाँ और 1.5 पेट्रोल में है और यह है जेटा। तो भैया जो और बाकी जो तीन मॉडल और हैं जेटा के अलावा कौन कौन से हैं भाई? इसमें से जो टॉप मॉडल है वो है अल्फा, इसके बाद आपकी ये जेटा आ जाती है जिसमें टॉप ही है ये मॉडल। इसमें बस थोड़ा सा फ़र्क है, एक हल्का सा अलॉय व्हील का फ़र्क है और टच स्क्रीन का, और टच स्क्रीन का फर्क, और कोई फर्क नहीं, और कोई फर्क नहीं। और इसके बाद आपकी डेल्टा, डेल्टा में मैं आपको जो इसमें ये है अपने इसे फोल्डेबल नहीं मिलते, और भाई इसे कुछ बटन स्टार्ट नहीं मिलेगी, नॉर्मल की मिलेगी उसकी भी नॉर्मल। और एक आती है बिल्कुल वो सेगमा मॉडल, उसमें ना आपको अलॉय व्हील मिलेगी, ना आपने ये लाइट आप देख रहे हैं ब्लैक वाली ये भी नहीं मिलेगी, और इसमें में जो भी बिल्कुल नॉर्मल मिलेगा, और ये आपका फॉग लैंप वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अंदर जो इंटीरियर है वो भी आपको पूरा नॉर्मल ही मिलेगा उसमें। तो वही लाइट दे सकते हो आप, पूरी ब्लैक है, ठीक है, और फॉग लैंप है इस साइड, ठीक है। ये फॉग लैंप भी अपने एलईडी वाले हैं, पर बड़े 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 वाइट कलर में जो आते हैं, वाइट कलर में जी, और वाइट ब्लैक कलर में ये देख सकते हो, ठीक है। और आप लाइटिंग भी देख सकते हो, जो इसके जो ये एलईडी हेडलैम्प है ये, अगर आप इसके लो मॉडल लेंगे तो आपको ये सिर्फ येलो जो हेलोजन लाइट आती है वो वाला आपको लाइट मिलेगा, और जो नीचे भी आपको आपको सेम मिलता है बिल्कुल वाइट में हो गई, वाइट और ये डीआरएल हो गई भाई, और ये डीआरएल भी आपको मिलेगी जो आपको सेगमा में और डेल्टा में नहीं मिलेगी, जो सेगमा और डेल्टा में ये सिर्फ आती है आपकी अल्फा में और जेटा में, ठीक है ना जी। ठीक है, तो भाई फ्रंट से लुक देख सकते हो भाई लाइट के साथ, ये काफ़ी बढ़िया। सो गाइस, तो यार स्टार्टिंग में की के, तो की के बाद आता है हमारा पुश बटन, तो भाई जो हमें हैंडल पे मिलता है, खाली कुछ नहीं करना, ये जेब के अंदर रहेगी, कैरी रहेगी हमारी जेब के अंदर, और बाकी खाली एक बार और ये खुल चुका है, ठीक है ना। तो कोई चाबी वगैरह लगाने की झंझट नहीं है, कोई की का बटन वगैरह दबाने की झंझट नहीं है, और बाकी अगर जैसे हमारा रिमोट वगैरह ख़राब हो जाता है तो उसके बाद हम की लगा सकते हैं जो इसके अंदर इनबिल्ट होती है, निकालना पड़ता है। तो ये हो गया पुश बटन हो गया, उसके बावजूद भाई इंटीरियर ऐसे। सो गाइस, तो यार इसके अंदर, इस मॉडल के अंदर हमें फोल्डेबल से भी मिलते हैं जो कि फोल्ड हो जाते हैं, ठीक है, और ये क्लिक करते जाती फोल्ड हो गया, तो भाई ये डन हो गया, ठीक है। और बाकी खुद ये तो इसके अंदर एडजस्ट भी कर सकते हैं हम जैसे मर्जी, इसको बस राइट में करा, अब ये जैसे मर्जी एडजस्ट भी हो रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो दिख रहे होंगे आपको, ठीक है, एडजस्ट वगैरह भी कर सकते हो हाँ। और बाकी भाई इसके अंदर बोतल रखने के लिए चारों डोर के अंदर मिल जाता है हमें, ठीक है। तो इधर हमें फैब्रिक मिल जाता है, इधर लेदर मिल जाता है हमें, ठीक है, और बाकी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है जो हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है हाँ। और लाइट भी मिल जाती है हमें नीचे की तरफ में, हमें नीचे की तरफ में लाइट भी मिल जाएगी, और फॉग लैंप के लिए यहाँ से एक पुश बटन है, ठीक है, और ये हाइब्रिड है तो हाइब्रिड ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर हमें बटन मिलता है, और इंजन स्टार्ट स्टॉप है, खाली की ऐसे, ठीक है, कहीं पे भी रख लो, खाली बटन दबाओगे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, ऑफ हो गई अभी। तो अब ये स्टार्ट करके दिखाते हैं हम, स्टार्ट हो गई है, ठीक है, स्मार्ट हाइब्रिड जो इसका क्या नाम है मीटर है वो काफ़ी अच्छा लगता है देखने को, ठीक है, आप देख सकते हो क्या नाम है, यहाँ पे बीच में एक छोटी सी स्क्रीन मिल जाती है जिसके अंदर हमें काफ़ी डिटेल्स मिलती है, इंजन बैटरी वगैरह मोटर्स और कितने किलोमीटर चली है, कितनी एवरेज दे रही है, सब कुछ इसके अंदर हमें मिल जाता है। और बाकी तो अभी साइड भी मिल जाता है हमें डोर के अंदर भाई सेम सब कुछ, ठीक है, फिनिशिंग क्रोम, और बोतल के लिए भाई चारों तरफ है, चारों साइड है, हमें बोतल्स के लिए मिल जाता है, और बाकी सामने यहाँ पर भी हमें वुडन की फिनिशिंग मिल जाती है, और यहाँ पे भाई एयर बैग भी है, ठीक है, हैंडल भी एयर बैग है हाँ, और बाकी काफ़ी स्पेस है देख रहे हो, और भाई ये देखो काफ़ी स्पेस है हाँ। तो हमें फ्रंट के देखने को मिल जाता है हमारा स्टूडियो, नीचे आ जाता है हमारा एसी का, और इधर हमें मिल जाता है वुडन का
फिनिशिंग, ठीक है। इधर इस साइड कंडक्टर सीट में भी हमें एयर बैग मिल जाता है और ड्राइवर सीट पे भी एयर बैग मिल जाता है, जो नॉर्मली सभी कारों में आजकल मिलने लग गया है। और हमें यहाँ पे एसी का हो गया, एसी इसका फुली ऑटोमेटिक है, आपको खाली कुछ नहीं करना, ठीक है। और बाकी अगर आपको मैनुअल चलाना है तो यहाँ से एसी का टेम्परेचर है और यहाँ से फैन का एडजस्टमेंट हो जाता है, ठीक है। और स्टूडियो ब्लूटूथ वगैरह आप हैंडल पे आ जाते हैं, हैंडल पे आप देख सकते हो कि आपको वॉल्यूम अप डाउन करने का है, चेंज करने का है, ठीक है। और मोड आ गया इसके अंदर और म्यूट वगैरह का भी, और यहाँ से आप कॉल पिक और वो भी कर सकते हो, कट भी कर सकते हो। और सबसे मेन जो इसके अंदर जो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा वो मिला हमें क्रूज़ का ऑप्शन। तो भाई क्रूज़ का ऑप्शन है, यहाँ से हमें क्रूज़ चला भी सकते हैं और स्पीड अप डाउन भी कर सकते हैं, जो काफ़ी बढ़िया लगा। एक ही स्पीड के अंदर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ही एक ही स्पीड में चलती रहेगी कार। और बाकी एसी का यहाँ पर चार मिल जाते हैं, क्रोम मिल जाता है इस साइड की तरफ में, और बाकी और हमें ये हैंडल एडजस्टमेंट भी मिल जाता है, काफ़ी एडजस्टमेंट कर सकते हैं हम इसको। तो सबसे और आगे फ्रंट में मिल जाता है हमें मिरर, जो भाई कंडक्टर सीट पर मिल जाता है हमें मिरर देखने को, ठीक है ना। तो भाई इस मिरर के अंदर हमें मिल जाता है भाई ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑन ऑफ। इसके अंदर हमें एक तो बैक साइड कैमरा आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। और सेकंड चीज़ जो कि हमें रात के टाइम में जैसे पीछे से रिफ्लेक्ट पड़ता है किसी हेडलाइट का, मतलब कोई लाइट आके इस पर पड़ती है तो ये ब्लैक हो जाता है, ठीक है, हमारी आँखों पर आकर के लगता नहीं है उसका फोकस, ठीक है। सबसे बेस्ट चीज़ इस चीज़ की इसकी ये लगी मेरे को। तो भाई हमें इस साइड की तरफ में मिल जाते हैं हमें ये दो माइक, तो भाई ये माइक हो गया, ठीक है, और ब्लूटूथ का ये माइक हो गया, और बाकी ये लाइट, ठीक है, लाइट मिल जाती है हमें दो, ठीक है, फ्रंट की साइड में, और एक ये गॉगल्स रख सकते हो आप इसके अंदर। एक लाइट, दो लाइट यहाँ पर ये हो गई, दो लाइट ये हो गई, दो लाइट, एक लाइट यहाँ पर हो गई और एक लाइट यहाँ पर हो गई, काफ़ी है भैया, एक बार चला के दिखाना, ठीक है। तो भाई काफ़ी, मतलब काफ़ी लाइट हो जाती है कार के अंदर, ठीक है। और इस साइड भी हमें, इस साइड कुछ नहीं मिलता, इस साइड नॉर्मल है, ठीक है। और ये एडजस्टमेंट है, ठीक है, एडजस्ट कर सकते हो आप इसको ऊपर नीचे, और भाई काफ़ी स्पेस मिल जाता है आगे की तरफ में, ये देखो, ठीक है। हमने इसके अंदर डायरी भी रखी हुई है, दो दो फर्स्ट एड किट आ गई इसके अंदर, काफ़ी स्पेस है। और हमें इसके साथ मिलता है स्टूडियो के साथ एक रिमोट, तो भाई ये, तो हमें यहाँ पर एक डोर में हमें मिल जाता है एक स्पीकर इस साइड और एक इस साइड, तो चारों साइड में स्पीकर है और काफ़ी अच्छा है इसका स्पीकर की जो क्वालिटी है, म्यूजिक की क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, हमें बेस ट्यूब की लगाने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी बेस मिल जाता है हमें इन स्पीकर के अंदर। तो भाई काफ़ी लाइट से देख रहे हो गेट और नौते के साथ ही। और फर्स्ट आते हैं हम इस पर जो एसी का है, ठीक है, एसी का ये हो गया, हाँ। और यहाँ पे हमें एक और पोर्ट मिल जाता है चार्जिंग वगैरह के लिए, इन सब के लिए, हाँ। और ये हो गया, ये आपको दिखा दिया था मैंने। और इस साइड हमें मिल जाता है भाई एक ग्लास वगैरह या फुटरेस्ट, जिसे जो भी कह सकते हो आप इसे, ठीक है, काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी स्पेस है, देख रहे हो भाई, ये देखो, हाँ, काफ़ी स्पेस है जो आप बैक साइड के अंदर देख सकते हो, बंदा आराम से कंफर्टेबल होकर के जा सकता है। और हमें मिल जाते हैं यहाँ पर हैंडल्स, ठीक है, दोनों तरफ मिल जाते हैं हमें हैंडल्स, और यहाँ पे हमें जैसे कोट वगैरह टांगने के लिए, लटकाने के लिए हमें स्पेस मिल जाता है। और हमें मिल जाता है हाइब्रिड, सबसे मेन होता है हाइब्रिड, तो हाइब्रिड की इधर की तरफ में बैटरी होती है एक, ठीक है, सीट के नीचे, कंडक्टर सीट के नीचे एक हाइब्रिड की बैटरी होती है। और हमें फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीकर्स बैक साइड में मिल जाते हैं, इस साइड, ठीक है, दोनों साइड स्पीकर्स हो गए और काफ़ी स्पेस है, देख रहे हो, काफ़ी स्पेस मिल जाता है हमें बैक साइड में, बढ़िया चीज़ लगी मेरे को। तो हमें हेडरेस्ट भी मिल जाता है जो कि हमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं हम ऊपर नीचे, काफ़ी चीज़ अच्छी लगी मेरे को, काफ़ी कार्स होती हैं उनके अंदर नहीं मिलता, इस कार के अंदर हमें मिला है एडजस्टमेंट, ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। और जो हमें मिल जाता है ये भी, जो भाई बच्चों के लिए हमें सीट लगवानी पड़ती है तो वो उसके लिए भी हमें काफ़ी स्पेस मिल जाता है, ठीक है। और एक और ये भी मिल जाता है हमें, ठीक है ना। सो गाइस, तो यार इंजन इधर की तरफ में देख सकते हो, काफ़ी बड़ा बोनट है इसका, ठीक है, इंजन हो गया यहाँ पर। और हाइब्रिड की भाई जहाँ तक है इसकी मोटर जो होती है वो नीचे की तरफ में होती है इंजन के, और बैटरी इधर देख सकते हो काफ़ी बड़ी मिल जाती है इसके अंदर।
और ये एंटी ब्रेकिंग लॉकिंग सिस्टम हो गया इधर की तरफ में। सो गाइस यार अब डिक्की खोलनी है, डिक्की से हम खाली रिमोट का बटन दबाना है ठीक है और डिक्की खुल जाएगी ठीक है, कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी आप देख सकते हो स्पेस काफ़ी है भाई इसके अंदर ठीक है ना, काफ़ी स्पेस है बैक साइड के अंदर। और हमें यहाँ पर मिल जाता है टूल किट ठीक है, एक स्टेपनी मिल जाती है, टूल किट वगैरह हो गई यहाँ पर, बिल्कुल फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी देखो स्पेस काफ़ी है भाई, चार पांच बंदे आराम से किडनैप करने के लिए मस्त जगह है। तो भाई तो अभी ये हो गया इस होगा इस, तो यार ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो अभी हमने लगा दी कार पार्किंग पे, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करो, लाइक करो और कमेंट करके बताओ भाई कौन सी कमी रह गई ठीक है। तो चलो बाय, लव यू, सी यू।